हरी ही ओम नमस्कार। मेरे YouTube चैनल महेश सुता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, 30 मई 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है। 30 मई दिन मंगलवार को रात के समय 7:38 पर शुक्र मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 7 जुलाई 2023 सुबह 4:05 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि ग्रहों का गोचर मनुष्य के जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भोग और विलास के कारक शुक्र ग्रह का ये गोचर कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। धन, नौकरी, बिजनेस, स्वास्थ्य, परिवार, शिक्षा, प्रेम के लिहाज से क्या कुछ नया लेकर आ रहा है शुक्र का ये गोचर, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लोग ईमानदार होते हैं, कभी कभी उद्दंड स्वभाव के हो जाते हैं। इस राशि के जातकों को चुनौतियों को स्वीकारना पसंद आता है। इस राशि के लोग बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, इनका दिल बहुत साफ होता है। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। ऐसे में आपको उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो लोग दोस्ती का नकाब पहन कर रखते हैं। उन लोगों से बचकर रहे जो लोग दोस्ती का दिखावा करते हैं परंतु काम दुश्मन वाला करते हैं। इस समय के दौरान किसी भी तरह के अनैतिक इल्लीगल कामों से दूर रहें, अन्यथा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें अपने कार्यस्थल पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय के दौरान महिलाओं से सम्मानपूर्वक व्यवहार रखें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के जो जातक बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा संबंध रखने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। इस समय के दौरान परिवार में कलह कलेश का माहौल, तनाव का माहौल बना रह सकता है। इस समय में धनु राशि वाले अपने ससुराल पक्ष की ओर अधिक झुकाव बढ़ा सकते हैं, उनका झुकाव अपने ससुराल पक्ष की ओर अधिक हो सकता है। धन संबंधी बात करें तो इस गोचर काल में धनु राशि वालों को किसी और को उधार देने से बचना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी को उधार ना दे। धन निवेश करने से पहले भी जरूर किसी का परामर्श ले। चोरी छुपे खर्च करने की अपनी आदत से बचे, अन्यथा इस गोचर काल में आपको नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम तथा उपाय जानने से पहले, जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे YouTube चैनल की नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। धनु राशि के जो जातक छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय के दौरान अधिक मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर सफलता प्राप्त हो सकती है। प्रेम जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में धनु राशि वालों का प्रेम जीवन कई कठिन परीक्षाओं से गुजर सकता है। अपने पार्टनर के प्रति इस गोचर काल में सम्मानपूर्वक व्यवहार जरूर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो इस गोचर काल में धनु राशि वालों को स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। इस समय के दौरान धनु राशि वालों को रोग भय रह सकता है। पेट संबंधी रोग, पेट संबंधी समस्याएं होने की इस गोचर काल में संभावनाएं हैं, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उपाय जो इस गोचर काल में धनु राशि वालों को करना चाहिए ताकि ये गोचर काल बिना परेशानी के बीत सके वो ये है कि इस गोचर काल में धनु राशि वालों को हर शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं के पैर छूने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। धन